नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आप सबका अपने ज्ञान लोग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉल बैक इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो दोस्तों हमारा इसी पे रहेगा, जिसमें हम जानेंगे कि कॉल बैक क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्यों होता है, इसको किस तरह से बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने कुछ डेफिनेशंस जो गूगल करके उठाई हैं कॉल बैक की। चलिए दोस्तों, समझते हैं इन डेफिनेशंस को। मैंने अलग अलग वेबसाइट्स को दोस्तों पढ़ा, तो उसके बाद जो मुझे जो सबसे सही इनकी डेफिनेशंस लगी हैं, जो तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मुझे लगी हैं, उनको मैंने उठा लिया है। चलिए दोस्तों, समझते हैं उन डेफिनेशंस में क्या क्या लिखा है और मैं आपको समझाऊँगा इनका मतलब क्या है। दोस्तों कुछ लिखते हैं कि कॉल बैक एक फंक्शन है। ठीक है, कॉल बैक एक फंक्शन है। अब मैं पहली डेफिनेशन की बात करूं तो कॉल बैक एक फंक्शन है जो एग्जीक्यूट होता है किसी दूसरे फंक्शन की एग्जीक्यूशन ख़त्म होने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कुछ लोग लिखते हैं कि कॉल बैक क्या है, एक फंक्शन है जो एज एन आर्गुमेंट पास होता है किसी दूसरे फंक्शन को। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन दोस्तों कहती है कि कॉल बैक फंक्शन इज़ ए फंक्शन पास्ड इनटू अनदर फंक्शन। फिर से दोस्तों यहाँ तक उसने फिर से हमारी दूसरी डेफिनेशन को दोहराया है। ठीक है, कि कॉल बैक एक फंक्शन है जो किसी दूसरे फंक्शन को पास किया जाता है एज एन आर्गुमेंट, राइट, और जो उसी के अंदर उसको इन्वोक किया जाता है ताकि कुछ काम करने के लिए या किसी एक्शन को करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन डेफिनेशंस हैं दोस्तों, तीनों ही अपने आप में बिल्कुल सही हैं, कोई गलत नहीं बोल रहा है। ठीक है, अब समझ इनको हम समझेंगे। ठीक है, कि एक्चुअली ये बोलना क्या चाहते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस होते हैं, राइट, वो एक्चुअली है क्या है, वो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों इन तीनों डेफिनेशनों को समझने के लिए। ठीक है, तो मैं तीनों ही डेफिनेशन को आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ अब। ठीक है, जैसा कि मैंने पहली चीज़ यह हो यहाँ इन तीनों डेफिनेशन में फंडामेंटल है जिसको समझना ज़रूरी है, वह है कि जावास्क्रिप्ट फंक्शंस क्या है, एक ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, और दोस्तों ऑब्जेक्ट्स को हम किसी भी फंक्शन को पास कर सकते हैं, राइट। ठीक है, हम रिटर्न भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शंस में। इसका कहने का मतलब है कि जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनको हम एज एन आर्गुमेंट किसी भी फंक्शन में पास कर सकते हैं और इनको किसी भी फंक्शन से रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अब मैं डेफिनेशन बनाने जा रहा हूँ एक। जब भी जावास्क्रिप्ट का मेथड या फंक्शन जिसको बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है, ठीक है, किसी दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास होगा, उसे हम बोलते हैं कॉल बैक। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों हम उसको, बोलते हैं कॉल बैक। आशा है दोस्तों आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट में जब हम किसी भी फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट किसी दूसरे फंक्शन को पास करते हैं उसको बोलते हैं हम कॉल बैक। ठीक है, अब इसको दोस्तों एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल से पहले दोस्तों एक चीज़ और समझाना मैं बताना चाहूँगा आपको कि जावास्क्रिप्ट में जो कोड है दोस्तों, या जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस हैं, राइट, वो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में या सीक्वेंस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं, राइट, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है, मान लो कभी कभी क्या होता है, ठीक है, कि हमें कोई कोड जो है किसी मेथड के एग्जीक्यूट होने के बाद चलाना हो, राइट,
कोई कोड ऐसा है जो हमें किसी मेथड के एग्जीक्यूशन के बाद चलाना हो, राइट, उस वक्त हम इन कॉल बैक्स को यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको, राइट, उसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा दोस्तों, समझाऊंगा, ठीक है, कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उससे पहले दोस्तों हमारे पास क्या है, एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है, एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो एक सीक्वेंस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है, पर जो कॉल बैक है दोस्तों, राइट, जो एक कॉल बैक यूज़ होता है, एक कब यूज़ होता है, जैसे कि मेरी पहली डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा है कि, ठीक है, कि जब हमें किसी दूसरे मेथड के एग्जीक्यूशन के बाद कोई पर्टिकुलर कोड यूज़ करना हो, राइट, उस टाइम इसको हम इस कॉल बैक को बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं दोस्तों हम, ठीक है, मैं पहले एक लेमैन एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो कि आपके पास एक प्रॉब्लम, बताता हूँ आपको पहले मैं, सपोज़ करो कि आपके पास एक प्रॉब्लम है कि आपको दो नंबर दूंगा मैं, राइट, 5 और 5, आपको इनको ऐड करना है, राइट, जब वे ऐड हो जाए तो आपको इसको डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो आपको इसके लिए कॉल बैक आपको बना के एग्जांपल को समझाऊंगा मैं, ठीक है, वो किस तरह से करना है, राइट, तो मैं एक यहाँ पे मेथड बना देता हूँ ऐड का, जो मेरे पास नंबर 1 लेगा और नंबर 2 देगा, ठीक है, साथ में एक लेगा कॉल बैक, जो क्या है, एक फंक्शन होगा एज ए आर्गुमेंट जो इसमें पास करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट में क्या करता हूँ, इस ऐड मेथड को कॉल कर लेता हूँ, ऐड 5, 5, जब ये एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, जो एग्जीक्यूट हो जाए, राइट, और जब ये कॉल बैक में जो भी इसका सम आए उसको मैक्स में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है, राइट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल कर देता हूँ, console.log(x), ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या किया, ऐड मेथड को कॉल किया, ठीक है, नंबर 1 में भेज दिया 5, नंबर 2 पे भेज दिया मैंने 5, और कॉल बैक एज ए एक मैंने एनोनिमियस फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया, जो क्या कर रहा है, एक वैल्यू को कंसोल कर रहा है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं दोस्तों एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉन्स्ट सम इक्वल्स टू नम 1 + नम 2, ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉल बैक रिटर्न कर देता हूँ सम, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अब ये बन गया मेरा कॉल बैक, ये जो चीज़ है, ये वाला सारा कोड है, ये मेरा है कॉल बैक, ठीक है। मैंने ऐड को दिए 5, num1 में, num2 में दिया 5, और कॉल बैक में दे दिया मैंने पूरा का पूरा मेथड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्ट ने क्या किया, num1 और num2 को सजेस्ट करके 5 + 5 करके उसने बना दिए 10, ठीक है, सम में आ गया 10, और ये 10 जो दोस्तों उसने क्या किया, कॉल बैक में जो सम आया उसने कॉल बैक को भेज दिया, जैसे ही उसको कॉल बैक में सम मिला उसने यहाँ पे इसको रिसीव किया और यहाँ पे उसने कंसोल करवा दिया। तो आप देखोगे ब्राउज़र पे तो आपको ये 10 मिलेगा, राइट, कंसोल करोगे आप जब, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से दोस्तों हम कॉल बैक को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो बता रही है, ए कॉल बैक इज़ ए फंक्शन डैट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर अनदर फंक्शन हैज़ फिनिश्ड इज एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे दोस्तों हमने कॉल बैक बनाया, ठीक है, एक हमारे पास फंक्शन है और ये भी हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन है जो इतना सा है, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। इसको एज ए आर्गूमेंट, जो सेकेंड डेफिनेशन थी, हमने एज ए आर्गूमेंट भेज दिया, ठीक है, जब वो
ये वाला मेथड एग्जीक्यूशन इसने अपनी ख़त्म की उसके बाद ये चला, ये हमारी डेफिनेशन, ठीक है, वन और टू यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी डेफिनेशन की, एज ए कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन पास्ड टू अनदर फंक्शन एज ए आर्गूमेंट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, विच इज़ देन इन्वोक्ड इनसाइड पास्ड फंक्शन टू कंप्लीट ए रूटीन एक्शन, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, ये हमारा फंक्शन था जिसमें हमने इसको कॉल बैक को पास किया है, उसके अंदर इसको इन्वोक किया है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये तीसरी डेफिनेशन थी। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको कॉल बैक को हमने समझा और उसको बनाया, ठीक है। और ज़रूरत इसकी क्यों पड़ी दोस्तों, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसको बताया आपको कि जब कभी है ना हमें, जब कभी हमें कुछ ऐसा कोड जो सीक्वेंस ऑर्डर से आउट ऑफ जाके हमें कोड लिखना पड़े, राइट, सपोज करो कि हमें कुछ ऐसा काम करना है जो किसी दूसरे मेथड पे डिपेंड हो, उसके ख़त्म होने के बाद हमें कुछ करना हो, तो उन जैसी स्थितियों में हम इस कॉल बैक का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मुझे अब आशा है कि आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी सुझाव है या कि कुछ आपको समझ नहीं आया है या आपको समझ आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।